गुड मॉर्निंग क्लास 11। टुडे वील डिस्कस सर्कुलर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए सर्कुलर परमुटेशन क्या है आपके पास। सर्कल में जब हम बैठते हैं या हम अरेंजमेंट कर रहे हैं बिठाने का, तो देखिए सर्कल में कोई नंबर फिक्स नहीं होता कि ये वन है या टू है जब तक आप मार्क नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो सर्कल में क्या होता है कि आपको पहले एक को फिक्स करना होगा, किसी भी एक सीट को। आप सर्कुलर टेबल है आपका, वहाँ अरेंज कर रहे हैं पर्संस को बिठाने का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सीट आप क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करेंगे, अपने अरेंजमेंट्स बनाएंगे। इसे जो एक सीट फिक्स हो जाती है उसके कारण हमारा सर्कुलर परमुटेशन कैसा बनता है, एन माइनस वन फैक्टोरियल। आपने देखा है लाइन में अगर मुझे अरेंज करना है तो डायरेक्ट अगर पांच बच्चे हैं मेरे पास तो फाइव फैक्टोरियल ही मेरे पास जो है अरेंजमेंट्स बनेंगे। बट सर्कल में क्योंकि हम एक सीट फिक्स कर देते हैं तो हमारा जो अरेंजमेंट है वो क्या बनता है, एन माइनस वन फैक्टोरियल। ऐसे ही जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स करते हैं तो आपके पास अरेंजमेंट्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, क्योंकि आप क्लॉकवाइज देखें या एंटी क्लॉकवाइज देखें तो अरेंजमेंट्स में डिफरेंस करना क्या होता है, मुश्किल। तो इसीलिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स कैसे हो जाते हैं आपके, वन बाई टू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है जी। ऐसी अगर आपने कोई नेकलेस फ्रेम करना है, इफ़ यू हैव टू फॉर्म अ नेकलेस विद एन बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ अ गार्लैंड विद एन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स एंड दस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज वन बाई टू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो एक्सरसाइज हम डिस्कस करने चले हैं 7.6। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी डेज कैन एट स्टूडेंट्स बी अरेंज्ड इन अ लाइन। आपने एक लाइन में अरेंज करना है बच्चों को, ठीक है जी। तो कितने बच्चे हैं, एक, तो आपकी लाइन की अरेंजमेंट कितनी रहेगी, एट फैक्टोरियल। बट अगर आप इसे सर्कल में करना चाहते हैं तो कितनी हो जाएगी, इन सर्कल दैट इज एट माइनस वन सेवन फैक्टोरियल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ रेज इन विच फाइव मैन एंड फोर वुमेन कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो टू वुमेन आर टूगेदर। फाइव मैन, पहले आप फाइव मैन को अरेंज कर दीजिए, पांच मैन कैसे अरेंज होंगे, अरेंजमेंट ऑफ मैन, नंबर ऑफ रेज इन विच मैन कैन अरेंज दैट आर फोर फैक्टोरियल, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, फाइव मैन थे एंड फोर वुमेन कैन बी सीटेड अराउंड टेबल सो दैट नो टू वुमेन आर टूगेदर। कोई दो वुमेन इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, तो वुमेन हम यहां बिठा सकते हैं, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच, वी हैव फाइव सीट्स और वुमेन्स कितनी है, फोर। तो कैसे अरेंज हो जाएंगी, फाइव बी फोर से, फाइव प्लेसेस हैं फोर वुमेन है, तो किन्हीं भी फोर प्लेसेस पे, फाइव में से किन्हीं भी फोर प्लेसेस पे हम इन वुमेन्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ एट कंट्रीज सिट अराउंड टेबल इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट। कितने वेज से सिट कर सकते हैं, एट माइनस वन दैट इज सेवन फैक्टोरियल वेज से वो बैठ सकते हैं, ठीक है। अब इफ इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स आर नॉट टू सिट टुगेदर, वो कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इकट्ठे नहीं बैठना चाहिए। अब इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो देर इज लॉट ऑफ केसेस, कोई केस अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो मिस भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि वो इकट्ठे बैठेंगे, लेट इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर विल सिट टुगेदर, अगर वो इकट्ठे बैठेंगे, ठीक है ना। तो टोटल में से इकट्ठे बैठने वाले केसेस में क्या कर दूंगी, माइनस, तो मेरे पास कौन से बच जाएंगे, दैट दे विल नॉट सिट टुगेदर, ठीक है जी। तो हाँ जी, हम कह रहे हैं कि वो दोनों इकट्ठे बैठेंगे, अगर वो दोनों इकट्ठे बैठेंगे तो जब किन दो चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं तो उनको हम वन यूनिट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि अब आपके इंडियन और पाकिस्तान वाले इकट्ठे हो गए, टोटल एक थे, दो ये हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टोटल एट पर्सन हो गए, पर ये दोनों तो इकट्ठे बैठेंगे, अगर ये दोनों इकट्ठे बैठेंगे तो इनको हम वन यूनिट मान लेंगे। अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन फैक्टोरियल कैसे अरेंज होंगे, राउंड टेबल पर, सेवन माइनस वन फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल, ठीक है। और ये दोनों हैं, ये इंडियन और पाकिस्तान भी बैठ सकता है या पाकिस्तान और इंडिया भी, आपस में कितने बेस से अरेंज हो जाएंगे, टू फैक्टोरियल बेस से,
ठीक है। तो अब ये कौन से वेज हैं दैट दे विल सिट टुगेदर, ठीक है, दीज आर द वेज दैट इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर विल सिट टुगेदर, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हैं और ये वो हैं जो जिनमें वो इकट्ठे बैठे हैं, दैट दे विल नॉट सिट टुगेदर, तो आपके कौन से वेज हो जाएंगे, 7 factorial माइनस 6 factorial इनटू 2 factorial, राइट जी। नेक्स्ट आपके पास है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है आपके पास, कॉम्बिनेशन को सी से डिनोट करते हैं और जहां हमें सिलेक्शन करनी होती है वहां पे हम कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, एन सी आर दैट इज एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है जी। अब सपोज मैंने लिया 7C2, तो आपके पास एन 7 factorial, दिस इज 2 factorial, 7 minus 2 factorial, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 7 factorial, दिस 2 factorial, 7 minus 2 दैट इज 5 factorial। और अगर मैं 7C5 को ओपन करती हूँ तो 7 factorial, 5 factorial, 7 minus 5 factorial, दैट 7 factorial, 5 factorial, 7 minus 5, 2 factorial। ये फार्मूला लगा के हमने दोनों को ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें क्या आ रही हैं, सेम आ रही है, 7 factorial, 5 factorial, 2 factorial, यानी कि एक रिजल्ट हमारे पास यहाँ से आ जाता है दैट एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। सेकेंड रिजल्ट कॉम्बिनेशन का जो हम यूज करते हैं वो है एन सी पी इज इक्वल टू एन सी क्यू, कि अगर दो वैल्यूज आपके पास कॉम्बिनेशन में सेम आ रही हैं तो क्या होगा, या तो पी इज इक्वल टू क्यू होगा, आइदर पी इज इक्वल टू क्यू और एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है जी। थर्ड रिजल्ट है एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 की, एक तरफ आर है एक तरफ आर प्लस 1 है, तो इस तरह की अगर कोई इक्वेशन आ जाती है तो वैल्यू क्या बनेगी, एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। फॉर एग्जांपल 10C5 प्लस 10C6, तो आपके पास यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, एक ज्यादा 10 plus 1 11C और यहाँ पे आर प्लस 1 वाली वैल्यू दैट इज 6, ठीक है जी। तो ये आपका जो है कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स हैं जो आपने अप्लाई करने हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें कुछ आपकी जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे आपके पास इन हाउ मेनी वेज कैन 5 sportsmen बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10, आपने कितने की सिलेक्शन करनी है, 5 की, टोटल कितने हैं 10, यानी एन हो गए 10, आर हो गया 5, सिलेक्शन करनी है तो एन सी आर दैट इज 10C5, कैसे ओपन करेंगे, एन फैक्टोरियल दैट इज 10 factorial बाय 5 factorial, 10 minus 5 factorial, ठीक है। सेकेंड है क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न टिकट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर रेलवे लाइन विद 16 stations, तो कैसे आप कर सकते हैं, 16C2 से 16 station है और एक जाने की और एक आने की टिकट है आपकी, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा 16C2। अब थर्ड क्वेश्चन है देखिए, जैसे इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9, टोटल 9 है उसमें से आपने 4 का सिलेक्शन करना है, इफ वन मैन इज ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, अब एक मैन को आपको पता है आपने लेना ही लेना है, ठीक है, तो कितने सिलेक्ट करोगे, सिर्फ 3, 1 तो ऑलरेडी इंक्लूड है वो तो हमने लेना ही लेना है, तो 9 में से भी कितने बचेंगे, 1, क्योंकि ऑलरेडी 1 हमारा इंक्लूडेड है, ठीक है जी। तो आपकी सिलेक्शन कैसे बनेगी, 8C3, ठीक है, व्हेन वन पर्सन इज इंक्लूडेड, एक पर्सन आपको लेना ही लेना है, इंक्लूड करना ही करना है उसको आपने, ठीक है। सेकेंड है आपके पास इफ वन मैन इज ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड, अब आपने क्या करना है, एक मैन को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, उसको नहीं लेना, ठीक है, तो कितने होंगे, आपने क्या किया, सिलेक्शन तो अब 4 की 4 की रहेगी क्योंकि आपने उसको इंक्लूड नहीं किया, बट टोटल कितने हो जाएंगे, 8, टोटल कितने हो जाएंगे, 8, तो क्या आएगा आपके पास, एन इज 8 एंड आर इज 4, देखो जब इंक्लूड किया था तो वो दोनों तरफ से जो है माइनस हो गया था, 4 में से भी एक पर्सन आपका सिलेक्शन में आ गया था, ठीक है ना, पर अब वो क्या है, एक्सक्लूडेड है, यानी उसको हमने नहीं लेना है, ठीक है, तो टोटल में से तो निकल गया, मेरे पास 80% है जिसमें से मुझे सिलेक्शन करनी है, पर सिलेक्शन अभी कितनों की करनी है, 4 की 4 की करनी है, तो क्या रहेंगे आपके पास, 8C4,
ठीक है।